हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एस एकेडमी तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ के इकोनॉमिक्स चैप्टर थ्री पावर्टी एज अ चैलेंज से क्लास नाइन्थ के भी काफ़ी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी डल चुके हैं आप पिछली प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स आपके आने वाले हैं बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बटन प्रेस कीजिए और चैनल के साथ फॉलोअप में रहिए बहुत सारा आपका सिलेबस ऐसे ही कवर अप हो जाएगा आइए स्टार्ट करते हैं पावर्टी एज अ चैलेंज पावर्टी जो है आज के टाइम पे अगर देखें तो हमारी कंट्री बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है और इंडिपेंडेंट इंडिया एक बहुत मेजर चैलेंज फेस कर रही है वो है पावर्टी क्योंकि हमने देखा है हमारी सोशल साइंस की स्टडी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में पावर्टी एक मेन मुद्दा है कंट्री जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ पावर्टी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो सिटीज़ में अलग अलग जगहों पर ओवर क्राउडिड झुग्गी में रहते हैं वो लोग या तो डेली वेज वर्कर्स होते हैं या फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं बहुत सारे उसमें हम देखते हैं चाइल्ड वर्कर्स भी होते हैं ढाबों पर काम करते हैं टी स्टॉल पर काम करते हैं ये सब बच्चे भी जो हैं ये धीरे 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 करके बेगर्स का रूप लेते जा रहे हैं इनफैक्ट हमारी कंट्री में इंडिया में अगर हम देखें तो एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर इसका रफली मतलब यह है कि 270 मिलियन लोग जो हैं या फिर आप कहिए 27 करोड़ की जो जनता है हमारी इंडिया में वो पावर्टी है, है इसका मतलब हमारा एक बहुत लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में जो हमारी जनता है वो पुअर है ये बहुत सीरियस चैलेंज है हमारे लिए और अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे अब इसमें पढ़ते वक्त हम देखते हैं कि हम दो तरीके की पावर्टीज से सामना करते हैं एक तो वो जो अर्बन एरियाज में होती है और एक वो जो रूरल एरियाज़ में होती है अभी मैं आपको एक अर्बन केस बताऊंगी आपकी एनसीआर बुक का ही जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी किस तरीके से डिफर करती है अर्बन केस में क्या है कि एक इंसान है तीस साल का रामसरन ठीक है वो एक डेली वेज लेबरर की तरह काम करता है एक वीट फ्लोर मिल में, में जो रांची में है झारखंड में वो पंद्रह सौ रुपये लगभग महीने में कमा लेता है जब उसे काम मिलता है सिर्फ तब ये रेगुलर कमाई नहीं है उसकी और ये जो मनी है ये उसकी फ़ैमिली को पूरा भी नहीं पड़ता है उसकी फ़ैमिली में छः लोग हैं वो है उसकी वाइफ है और उसके चार बच्चे हैं जो छः महीने से लेकर के बारह साल तक की उम्र के हैं इनफैक्ट उसको अपने घर भी पैसे भेजने होते हैं वहाँ उसके ओल्ड पेरेंट्स रहते हैं रामगढ़ में और उसके जो

रुपए कमा लेती है तो वो इतना कमा लेते हैं कि वो पूरे दिन में दो बार खाना खा पाते हैं दाल चावल वो लोग गुजारा कर लेते हैं बट कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें इनफ खाने को नहीं मिलता है सबके लिए कम्प्लीट नहीं हो पाता है उनका जो एल्डर सबसे बड़ा बेटा है वो एक टी शॉप में हेल्पर की तरह काम करता है और उसकी जो इनकम आती है तीन सौ वो अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाता है बाकी उसकी एक दस साल की बेटी है वो घर में बाकी छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है उनके पास कुछ कपड़े हैं दो जोड़ी कपड़े हैं वो उन्हें ही वापस वापस रिपीट करके पहन लेते हैं कोई न्यू कपड़े उनके पास नहीं हैं जो भी ओल्ड क्लोथ्स उनके हो जाते हैं वो भी बिल्कुल अनवेरेबल हो जाते हैं पहने नहीं जा सकते हैं बट वो फिर भी उसमें गुजारा कर लेते हैं शूज़ तो उनके लिए एक लग्जरी है मतलब अगर उन्हें मिल जाए तो उनकी पार्टी है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल अंडर नरिश्ड हैं उनके पास कोई प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं है अगर वो बीमार भी हो जाते हैं तो उनके पास इलाज का कोई जरिया नहीं है और आइए अब देखते हैं एक रूरल केस रूरल केस में है लाखा सिंह वो एक छोटे से विलेज में रहता है मेरठ के पास उत्तर प्रदेश में उसकी फैमिली का खुद का अपना कोई लैंड नहीं है तो वो अलग अलग तरीके से जॉब्स करते हैं बड़े बड़े फार्मर्स के पास ये जो काम है ये कभी कभी बहुत अजीब लगता है और इनकम भी बहुत ही अजीब मिलती है यहाँ पे प्रॉपर इनकम नहीं है कभी कभी तो उन्हें पचास रुपए मिलते हैं पूरे दिन के हार्ड वर्क के बाद और कभी कभी पचास रुपए भी नहीं मिलते कुछ सामान दे दिया जाता है जैसे कुछ किलो वीट या कुछ किलो दाल या फिर कुछ वेजिटेबल्स जिसके बदले में उन्हें पूरे दिन वहां हार्ड वर्क करना होता है फील्ड में उनकी फैमिली जो है आठ लोगों की है और वो इसमें दो दिन दो समय का खाना भी प्रॉपरली नहीं खा सकते हैं वो एक कच्चा हाउस में रहता है जो विलेज के आउटस्कर्ट्स पे है और जो उसकी घर में वाइफ है वो पूरा दिन जो है सब्जियां काटने में फोडर काटने में फायरवुड कलेक्ट करने में निकाल देती है उसके फादर एक टीबी पेशेंट थे जिनकी दो साल पहले डेथ हो गई एंड रीजन वॉज कि उनके पास प्रॉपर मेडिकेशन नहीं थी उसकी मदर आज के टाइम पे सेम डिजीज से सफर कर रही है और धीरे 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 उनकी लाइफ स्टोर खत्म होने की कगार पर आ गई है क्योंकि जो विलेज है उसमें मेडिकेशन प्रॉपर नहीं है उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है उस विलेज में एक प्राइमरी स्कूल है लाखा कभी भी वहां नहीं गया है उसको अर्निंग करनी है जब वो दस साल का था तब से ही उसने अर्निंग करने की की स्टार्टिंग कर दी थी न्यू क्लोथ्स उनको सालों में कभी एक बार पहनने को मिलते हैं और उनके लिए वो लग्जरी होते हैं पार्टी टाइप होती है और इवन उनके पास अगर आप देखो कि सोप ऑयल ऐसी चीज़ें भी इस फैमिली के लिए एक लग्जरी हैं इन्हें ये सब चीज़ें भी नहीं मिलती हैं तो मेडिकेशन स्कूलिंग तो बहुत दूर की बात हो गई तो ये दो केसेस देखे हमने और इन दोनों केसेस में हमने जो मेजर इशू कवर करे वो क्या थे लैंडलेसनेस अनइंप्लॉयमेंट साइज ऑफ फैमिलीज़ इलिट्रेसी पुअर हेल्थ है माल न्यूट्रिशन है बच्चे चाइल्ड लेबर एंड हेल्पलेसनेस आफ्टर ऑल कि हमने देखा कि इन सब चीज़ों के बाद भी ये जो गरीब लोग हैं ये हेल्पलेस हैं ये कुछ भी नहीं कर सकते इनको एक इनो चीज़ दिखाई हुई है कि पावर्टी का मतलब है हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर इनके पास उन दोनों चीज़ों की बहुत कमी है और इनको ये चीज़ चाहिए इनको चाहिए कि इनकी भूख मिट सकें और इन्हें एक शेल्टर मिल सकें ऐसी सिचुएशन में ये रहते हैं जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते ऐसी सिचुएशन भी उनके पास नहीं है कि अगर उनका बच्चा बीमार हो जाए तो वो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं पावर्टी में इनके पास सैनिटेशन फैसिलिटीज भी नहीं है और साफ पीने का पानी भी नहीं है रेगुलर जॉब अगर होती इनकी तो ये एटलीस्ट डिसेंट लेवल से अपना गुजारा कर पाते बट ये ये सब चीजें इनके पास नहीं है इसीलिए एक हेल्पलेसनेस के मोड पर है कि ये कुछ कर ही नहीं सकते इनकी सिचुएशन में इन्हें और ज्यादा इल ट्रीट किया जाता है जब ये फार्म फैक्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर जाते हैं तो इनको और ज्यादा इल ट्रीट करा जाता है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो पावर्टी स्टिकन होते जा रहे हैं इनफैक्ट महात्मा गांधी ने इस चीज़ को लेकर के एक स्टेटमेंट भी दी थी कि इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली वेन दुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग अदरवाइज तब तक इंडिया का कुछ नहीं हो सकता अब पावर्टी को सोशल साइंटिस्ट ने कैसे देखा इन्होंने बताया कि यह बेसिक चीज है जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में इनकम और कंजम्पशन लेवल कहाँ तक पहुँच है आज के टाइम पे पावर्टी एक सोशल इंडिकेटर है जिसको देख के हम ये बता सकते हैं कि इस इंसान का इलिटरेसी लेवल क्या है इस इंसान की जनरल माल न्यूट्रिशन है या नहीं है इसके पास हेल्थ केयर कितना है जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ऐसी चीजें हैं या नहीं इन चीजों को जो हम एनालाइज करते हैं वो हम दो चीजों के बेसिस पे करते हैं और ये दो चीजें हैं सोशल एक्सक्लूजन एंड वॉलरेबिलिटी माइंडेड स्टूडेंट्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं राइट शॉर्ट नोट करके क्वेश्चन आता है इनके ऊपर और इनके डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल एक्सक्लूजन का सीधा सीधा मतलब है सोसाइटी से एक्सक्लूड होना अगर आप गरीब हैं तो आप गरीब वाली सराउंडिंग्स में ही रहेंगे जहां पे सारे पुअर पीपल रहते हैं आप अच्छे से बहुत वेल well वर्ल्ड वाले अपार्टमेंट्स में नहीं रहेंगे इसका मतलब है आपके पास सोशल इक्वालिटी नहीं है आपको बेटर ऑफ सराउंडिंग से दूर कर दिया जाता है आपको सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज यू आर पुअर इसी वजह से आपको वो सारी फैसिलिटीज वो सारे बेनिफिट्स वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो आपको बेटर बना सकती हैं या जो बेटर लोगों को मिलती हैं वो आपके पास नहीं है इसका बहुत सही एग्जाम्पल हम इंडिया में देखते हैं कि जो लोग गरीब हैं वो सोशली एक्सक्लूडेड झुग्गियों में रहते हैं उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होती जिसकी वजह से उनकी जो सिचुएशन है वो और ज्यादा डैमेज हो जाती है उनको और कम इनकम मिलती है और वो अपना गुजारा बिल्कुल भी नहीं कर पाते द नेक्स्ट वर्ड इज वलरबिलिटी वलनरेबिलिटी का मतलब है कि अगर सपोज कोई चीज़ ऐसी बड़ी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सब सबसे पहले उसका शिकार कौन होता है वो होते हैं वलनरेबल लोग वलनरेबिलिटी जो है कि अगर कुछ गलत हो जाता है हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक ड्रॉप हो जाता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले कौन होंगे ग्रेटर प्रोब्राबिलिटी में इफ़ेक्ट कौन होंगे यही कम्यूनिटीज़ होंगी यही इंडिविजुअल्स होंगे जो बैकवर्ड कास्ट के हैं जो हैंडीकेप लोग हैं जो विडो हैं जो पुअर हैं जो सोसाइटी में पिछड़े हुए हैं तो वलनरेबिलिटी हमें ये डिफ़ाइन करने में मदद करती है कि अगर एडुके हेल्थ जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसी सारी चीजें इन लोगों को मिल जाएं तो एटलीस्ट ये लोग ग्रेटर रिस्क से बच जाएंगे अदरवाइज जब हमारे पास नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं अर्थ टेररिस्ट अटैक्स एंड ऑल तो ये लोग होते हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है एंड ये वही लोग हैं जो इकोनॉमिकली और सोशली इतने स्ट्रॉग नहीं है कि ये इन रिस्क को झेल सके इसी वजह से ये एडवर्सली इफेक्ट हो जाते हैं और ये इन सब चीजों के बाद और ज्यादा इस ट्रैप में घुस जाते हैं गिर जाते हैं और फंस जाते हैं इनके पास कोई और चारा नहीं बचता नेक्स्ट थिंग इज पावर्टी लाइन पावर्टी लाइन एक कॉमन मेथड है जो हम यूज़ करते हैं ये मेजर करने के लिए कि पावर्टी कितनी है कितना कंजम्पशन लेवल है उस इंसान का कितना इनकम लेवल है एक पर्सन को हम पुअर तभी कहेंगे जब उसकी इनकम इतनी ना हो कि वो बेसिक अपनी नेसेसिटीज़ मिनिमम लेवल की जो सब्सिस्टेंस नीड्स होती हैं उन्हें वो पूरा कर पाए तभी हम उसे गरीब कहेंगे क्योंकि हमें अपनी एक बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या चाहिए रोटी कपड़ा और मकान अगर ये चीज़ हम देखते हैं कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कि ये चीजें जिसके पास नहीं है उन्हें हम कंसिडर करते हैं कि वो गरीब हैं बट हम हमेशा ये चीज़ सेम रख के नहीं चल सकते मैं इसका आपको एग्जाम्पल देती हूं जैसे यूएसए में अगर किसी इंसान के पास कार नहीं है तो वो गरीब है बट ऐसा इंडिया में नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वेल वोज हैं बट दे डू नॉट हैव हाँ अ कार इंडिया में कार ओन करना एक लग्जरी है बट वो गरीबी का साइन नहीं है तो इसीलिए जब हम पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं तो हम देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फूड क्लोदिंग footwear light, एडुकेशन मेडिकल रिक्वायरमेंट ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जो हमारी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हैं इनको हम इनको एज इन क्वान्टिटी देखते हैं कि इनकी क्वान्टिटी हमारे पास कितनी अवेलेबल है इसी के बेसिस पर हम पावर्टी लाइन को एस्टिमेट लगाते हैं अब जैसे फूड आइटम्स हैं जैसे पल्स वेजिटेबल मिल्क ऑयल शुगर ये सब चीज़ें जो हैं ये इकट्ठे मिल जाएँ तो हमें प्रॉपर कैलोरी नीड्स हमारी बॉडी की पूरी होती हैं बट अलग अलग तरीके से कैलोरी नीड होती हैं कि हमारी एज कितनी है विच सेक्स यू आर क्या टाइप ऑफ वर्क आप करते हो उसके बेसिस पे आपकी बॉडी को कैलोरीज चाहिए होती हैं तो ये डिसाइड किया गया था द दसेप्टिड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ ट्वेंटी फोर हंड्रेड कैलरीज पर पर्सन इन रूरल एरियाज़ एंड ट्वेंटी वन हंड्रेड कैलरीज पर पर्सन इन अर्बन एरियाज़ तो ये चीज़ ध्यान रखी गई जिसके बेसिस पे ये देखा गया कि क्योंकि रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो उनकी कैलरी रिक्वायरमेंट जो है वो उस हिसाब से ज़्यादा है अर्बन एरियाज के कंपेरिटिवली तो इसीलिए ये बेसिस पे कैल्कुलेशन की गई और पावर्टी को सेटअप किया गया टू एंड ट्वेल्व में इस रेशो के अकॉर्डिंगली बात बोली गई कि एक पर्सन जो है उसकी जो इनकम है वो रुपीज एट होनी चाहिए पर मंथ इन रूरल एरियाज एंड रुपीज थाउजेंड अर्बन एरियाज कैलरी रिक्वायरमेंट के साथ साथ इन्होंने ये एस्टिमेट भी लगाना स्टार्ट करा जिसके बेसिस पे ये देखा जाएगा कि एक फैमिली जो है वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है और इन सर्वेज को ये जो सर्वे हुआ जिसके तहत हमें ये सारी बातें पता चली इन सर्वेज को कंडक्ट करती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन माकर क्वेश्चन और इनके बेसिस पे इन कंपेरिजन के बेसिस पे हमें यह पता चलता है कि हमारी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है ऐसे ही हम कई सारे पावर एस्टिमेट्स देखते हैं और उनके बेसिस पे हमें पता चलता है कि कितने लोग गरीबी से रेखा से गरीबी की संख्या से बढ़ते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं अगर वो ट्रेंड चलें और हम फिर ये एस्टिमेट लगाते हैं कि ये ट्रेंड कॉन्टिन्यूड रहा तो फिर आगे क्या हो सकता है हमारे लोग पॉवर्टी लाइन से ज्यादा ऊपर आ जाएंगे या फिर नीचे चले जाएंगे और ये परसेंटेज हमारे लिए मैटर करती है जब हम अपनी कंट्री का स्टेटस देखने की बात करते हैं तो आइए अब देखते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं जनरली वो लोग हैं जो बिलो पावर्टी लाइन हैं क्योंकि सोसाइटी में उनके लिए वो सेम जगह नहीं है ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं जैसे कि ये स्कीड्यूल कास्ट हैं ये स्कीड्यूल ट्राइब्स हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं ये लैंडलेस लेबरर्स हैं ये अर्बन एरियाज़ में कैजुअल लेबरर्स हैं तो इसी ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोन हैं अगर कुछ भी ऐसा होता है कोई कैलेमिटी आती है कोई प्रॉब्लम होता है सोसाइटी में इकोनॉमिक ड्रॉप होता है तो यही वो लोग हैं जो डिसएडवांटेज नहीं डबल डिसएडवांटेज में आ जाते हैं क्योंकि एक तो ये सोसाइटी से एक्सक्लूडेड हैं दूसरी बात इनको वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सीरियसली अटैक करती है और इनकी पावर्टी को और ज़्यादा सफ़र करती है इनकी सिचुएशन को इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं सब की सब सफ़र करती हैं और कुछ जो हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं कुछ केसेस में जो वुमेन होती है जो एल्डरली लोग होते हैं फ़ीमेल इन्फेंट्स इनको इक्वल रिसोर्सेज देने से मना भी कर देती है फैमिली उनके पास इतनी चीजें अवेलेबल नहीं होती एंड दिस इज बिकॉज वो ऑलरेडी और ज्यादा है।, है आपकी NCRT बुक में सीवारमन की मैं स्टोरी आपको बताती हूं सीवारमन जो है वो एक स्मॉल विलेज में करूर टाउन में तमिलनाडु में रहता है करूर बहुत फेमस टाउन है कम से कम सौ फैमिलीज हैं विलेज में और सीवारमन जो है वो एक कॉबलर है बाई कास्ट बट ना वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर की तरह काम करता है जहाँ पे उसे दिन के वन सिक्सटी रुपीज़ मिलते हैं और वो सिर्फ इतना है कि मतलब उसको कभी कभी मिलते हैं वो पैसे बहुत रेगुलर उसको वो पैसे नहीं मिलते हैं और कभी कभी उसे और जॉब्स करनी पड़ती हैं उसकी वाइफ है ससी कला वो भी काम करती है उसके साथ ताकि उन्हें और पैसे मिल सकें बट कभी कभी ही कुछ कुछ दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें उसे पेमेंट मिलती है अदरवाइज़ उसे पेमेंट भी नहीं मिलती है और अगर मिलती भी है तो सिवा रमन से कम मिलती है उसको वन हंड्रेड रुपीज मिलते हैं उसी सेम काम के लिए रमन जो है उसकी विडो मदर है, 65 की। वो है। उन्हें डेली मदद चाहिए होती हैल्ड कोर्स भी होते हैं वो कौन करें उसकी एक पच्चीस साल की अनमेरिड सिस्टर है चार बच्चे हैं जो एक साल से लेकर के सोलह साल तक की उम्र के हैं तीन उनमें से लड़कियां हैं और सबसे छोटा सन है उसका कोई भी लड़की उसकी स्कूल नहीं गई है बुक्स खरीदना और बाकी सारी चीज़ें खरीदना गर्ल्स के लिए वो एक लग्जरी है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता एट लास्ट उसे उनकी शादी भी करनी है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे और उसके पास इतना पैसा तो है ही नहीं कि वो उनकी एडुकेशन पे भी स्पेंड कर सकें उसकी मदर को अब लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उन्हें ये पता है कि मैं किसी दिन मर जाऊंगी मैं बीमार हूँ हेल्थ फैसिलिटी है नहीं तो शी इज़ वेटिंग टू डाई ऐसी सिचुएशन है उसके जो सिस्टर और एल्डर डॉटर है वो उनके घर का ध्यान रखते हैं वो ये प्लान कर रहा है कि वो अपने बेटे को स्कूल भेजेगा जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसकी जो अनमेरिड सिस्टर है वो उसकी वाइफ के साथ जो है मदद करा देती है घर के कामों में, ससी कला जो है उसको बहुत ज्यादा बर्डन होता है कि उसकी एक कवारी ननंद घर में बैठी है बट सीवा रमन जो है उसको ऐसा इतना पैसा ही नहीं है उसके पास और उसको एक पर्टिकुलर ग्रूम भी नहीं मिल रहा पैसे की कमी की वजह से कि वो अपनी बहन की शादी कर सके तो ऑल द फैमिली बहुत डिफिकल्टी में है इतनी डिफ़िकल्टी में है कि उनको पूरे दिन में दो समय का खाना भी प्रॉपरली खाने को नहीं मिलता सीवारमन जो है वो कभी कभी बीच बीच में एक बार दूध ले आता है और वो दूध सिर्फ उसका बेटा पी पाता है और किसी को वो दूध नहीं दिया जाता तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि ये जो वलनरेबल ग्रुप्स हैं ये कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फेस करते हैं एक तो पहले ही घर में पैसा नहीं है और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत दूध आता भी है तो वो घर के बेटे को मिलता है जो लड़कियां है जो हैं जो औरतें हैं वहां पे उन्हें नहीं दिया जाता अब ऐसे में हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ के बारे में कि इंडिया में जो पावर्टी है उस पावर्टी में जो पुअर लोग हैं वो हर एक स्टेट में सेम नंबर में नहीं हैं हर एक स्टेट का लेवल है जो पावर्टी का वो अलग अलग है कहीं कहीं पे जो लेवल है वो अच्छी तरफ से डिक्लाइन हो रहा है और लोग जो है पावर्टी रेखा से ऊपर आ रहे हैं बट कहीं पर ये बढ़ता जा रहा है रिसेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से हम ये देखते हैं कि कुछ स्टेट्स जो हैं लाइक मध्य प्रदेश असम उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा ये सब जो हैं है, ये अबव अब ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल हैं बट अगर हम इसमें से देखें तो दो पुअरेस्ट स्टेट्स हैं बिहार एंड उड़ीसा ये क्योंकि रूरल पावर्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाती है अर्बन पावर्टी भी उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश यहाँ पे अर्बन पावर्टी बहुत ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है कुछ स्टेट्स में केरला महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तमिलनाडु गुजरात वेस्ट बंगाल यहाँ पर पावर्टी बहुत अच्छे रेशों से डिक्लाइन हुई है जैसे कि स्टेट्स पंजाब और हरियाणा हैं इन्होंने काफ़ी सक्सीड किया है इन्होंने अपने यहाँ पे पावर्टी को रिड्यूस करा है एग्रीकल्चरल रेट बढ़ाया है इनफैक्ट केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत पैसा लगाया है फोकस किया है वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत मेहनत की गई है पावर्टी को रिड्यूस करने के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फ़ूड ग्रेन्स की वजह से वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आई है और पावर्टी थोड़ी सी कम हुई है अब देखते हैं ग्लोबल पावर्टी सीनारियों क्या है ग्लोबल पावर्टी सिनारियों में ये वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है कि एक कंट्री की एक्सट्रीम इकोनॉमिक पावर्टी की सिचुएशन क्या है और वो ये डि, डि, डिफाइन करता है वहाँ पे कि क्या ग्लोबल पावर्टी होती है किस तरीके से ग्लोबल पावर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है हमने देखा है कि धीरे धीरे चाइना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ इन सब जगहों पर पावर्टी डिक्लाइन हुई है नंबर ऑफ पुअर्स जो हैं वो काफ़ी कम हुए हैं बट जो कंट्रीज हैं इन साउथ एशिया जैसे कि इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल बांग्लादेश भूटान यहाँ पर जो डिक्लाइन है वो भी थोड़ा ज़्यादा है वो अच्छा डिक्लाइन रहा है बट डिक्लाइन के बाद भी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अभी भी पावर्टी की रेशो काफी ज्यादा हाई है तो पावर्टी को यहाँ पे बार 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 देखा गया है इनफैक्ट सोशलिस्ट कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि रशिया जहाँ पर अब ऑफिशियली ये देखा जाता है कि पावर्टी डज नॉट एग्जिस्ट तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे ये एक एस्टीमेट बनाया जाता है कि पावर्टी किस कंट्री में कितनी ज्यादा है एंड जो न्यू सस्टेनेबल गोल्स निकाले गए हैं वो हर एक कंट्री को यूनाइटेड नेशंस ने प्रपोज करके बताए हैं दैट आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अडॉप्ट करना है तभी जाके कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपकी कंट्री में पावर्टी रेशो जो है वो बहुत फास्टली जल्दी जल्दी खत्म हो सकती है नेक्स्ट इज कॉज ऑफ पावर्टी क्योंकि अभी तक हमने इतना पढ़ लिया तो हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया कि भाई इंडिया में क्या क्या दिक्कत है सबसे बड़ा और हिस्टोरिकल रीज़न जो है हमारे यहाँ पे वो है कि ब्रिटिशर्स आ गए थे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उन्होंने हमें बहुत एक्सप्लॉयड करा हमारा हैंडीक्राफ्ट उन्होंने बहुत ज्यादा डिटोराइट करा हमारे टेक्सटाइल्स को इंडस्ट्रीज को डिस्करेज करा जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हुई इनकम्स लोगों को बहुत कम दी गई पॉपुलेशन का ग्रोथ तो बढ़ता ही रहता है हमेशा और इन चीज़ों की वजह से कंबाइंड इन चीज़ों की वजह से साइकिल जो थी पावर्टी की वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई और आउट ऑफ कंट्रोल चली गई इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आई एग्रीकल्चर सेक्टर में बट ये कुछ ही एरियाज़ तक लिमिटेड था इंडस्ट्रीज जो थी वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में थी और कुछ जॉब्स भी मिली इंडस्ट्रीज़ की वजह से बट इनफ जॉब्स नहीं मिली क्योंकि जॉब सीकरस की संख्या बहुत सारी थी इसीलिए जब जॉब प्रॉपर नहीं मिली तो बहुत लोगों ने अर्बन एरियाज़ में रिक्शा पुलर्स वेंडर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन सब का काम करना स्टार्ट कर दिया इनरेगुलर इनकम होती थी जिसकी वजह से वो प्रॉपर हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर पाते थे और इसकी वजह से उन्हें स्लम एरियाज़ में रहना पड़ता था तो यह एक फिनम चलता गया जिसकी वजह से अर्बन सेक्टर में भी पावर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और हाई पावर्टी रेट्स का एक मेजर फीचर यह रहा कि इनकम इनिक्वालिटीज़ थी इनकम इनिक्वल है लैंड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इतनी पॉलिसीज के बाद भी कोप अप नहीं किया जा रहा है लैक है लैंड रिसोर्सिस का मेजर कॉज़ है ये पावर्टी का कि अगर आप रूरल एरिया रूरल एरियाज़ में लैंड को इम्प्रूव करना भी चाहते हो लोगों को इम्प्रूव करना भी चाहते हो तो उनकी लाइफ आप इम्प्रूव कर ही नहीं सकते बिकॉज़ यू डोंट हैव लैंड आपके पास ज़मीन होगी तभी तो आप उन्हें रहने को घर दोगे छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं उनको एग्रीकल्चरल इनपुट्स सीड्स फ़र्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स ये सब खरीदने के लिए पैसे चाहिए बट बिकॉज वो पुअर हैं उनके पास कुछ सेविंग्स रहती हैं कुछ वो पैसे बोरो करते हैं उससे वो अपना काम तो चला लेते हैं बट उसके बाद वो उसे रीपे नहीं कर पाते और उसके बाद वो इन डेट में फंस जाते हैं वो डेटनेस में हो जाते हैं वो उस चीज के विक्टिम बन जाते हैं और फाइनली वो साइकिल जो है वो पावर्टी तक उन्हें पहुंचा देती है तो अब ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो कुछ एंटी पावर्टी मेजर्स लेने चाहिए और इन मेजर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए और एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स यहां पे इंट्रोड्यूस किए जाएं ये मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम क्लियरली ये सोच सकते हैं कि हमारी पावर्टी रिड्यूस होगी इकोनॉमिकली हम ग्रो करेंगे हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी रिसोर्स आएँगी जिसकी वजह से हमारे जो लोग हैं वो इनक्रेज होंगे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजा जाए वहाँ पर स्कूल में उन्हें बेटर एडुकेशन मिले वो कहीं जाके लाइफ में स्टैंड हो और पावर्टी की इस प्रॉब्लम को इराडिकेट कर पाएँ उन्हें डायरेक्टली एडवांटेज किया जाए धीरे धीरे उनकी जो बियरिंग्स हैं उन बियरिंग्स को उन सफरिंग्स को ख़त्म किया जाए और उनकी लाइफ जो सिर्फ़ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है उसे हटाकर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाकर उन्हें ये सब चीज़ें उनकी प्रॉब्लम्स को हटाया जाए अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से लेकर हमारे पास सबसे पहले एक एंटी पावर्टी प्रोग्राम आया जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसमें 100 दिन के लिए वेज एम्प्लॉयमेंट पे रखा गया था लोगों को जिसमें उनको लाइवलीहुड सिक्योरिटी दी गई थी उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ाया गया था उनको धीरे धीरे जॉब्स दी गई थी रिजर्व की गई थी जॉब्स औरतों के लिए काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे इस स्कीम के अंडर जॉब दी गई नेक्स्ट थी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ये नाइनटीन में स्टार्ट की गई थी इसका सिर्फ एक काम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना जो एडुकेट अनएम्प्लॉय यूथ हैं जो स्मॉल टाउन्स में रहते हैं उनको मदद की गई कि आप अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए इंडस्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दीजिए नेक्स्ट इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये 1995 में स्टार्ट किया गया था इसका एम ये था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को रूरल एरियाज में भी बढ़ाया जाए स्मॉल टाउन्स में बढ़ाया जाए पच्चीस लाख न्यू जॉब सेटअप की गई थी नेक्स्ट वॉज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में लॉन्च की गई थी इसमें पुअर फैमिलीज़ को एक ब्राइट साइड दिखाई गई उन्हें बोला कि हम आपको पॉवर्टी लाइन से ऊपर आने में मदद करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से इंट्रोड्यूस किए गए बैंक से उनको क्रेडिट मिलना आसान किया गया और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ मिलवानी स्टार्ट की गई नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये टू में स्टार्ट की गई इसमें उनको बेसिक जो उनकी नेसेसिटीज़ होती हैं बेसिक सर्विसेज होते हैं प्राइमरी हेल्थ प्राइमरी एजुकेशन रूरल शे, शेल्टर रूरल ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिफिकेशन इन सब चीज़ों की उनकी पूर्ति की गई एंड नेक्स्ट इज़ अंत्योदय अन्य योजना जिसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे बट यहाँ पर अन्य योजना है तो उनको उनकी खाने की जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल किया गया तो इन प्रोग्राम्स से एक मिक्स रिजल्ट हमारे सामने आया जिसमें हमने टारगेट सही जगहों पर करा बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ टारगेट कर बट ये जो स्कीम्स थी ये पूरी तरह डिजर्विंग पोअर्स के पास नहीं पहुंच पाई प्रॉपर मॉनिटरिंग की कमी थी कहीं ना कहीं जिसकी वजह से ये जो प्रोग्राम्स थे ये प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हो पाए पावर्टी रेट जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया में डिक्लाइन ज़रूर हुआ है बट अभी भी इंडिया में ये एक मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज है जो हमें रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में देखने को मिलता है एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है ये रेट कम हो जाएगा इस पूरी चीज़ों को पढ़ने के बाद वी गेट दी ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पावर्टी कि ये जो मुद्दा है ये मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल का है ये एक रीज़नेबल लेवल का है जिसकी वजह से एक इंसान ह्यूमन पावर्टी की तरफ खींचा चला जाता है हेल्थ केयर एडुकेशन जॉब सिक्योरिटी शेल्टर ये सब चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से एक इंसान गरीब है तो इन सब चीज़ों की जब इराडिकेशन हो जाएगी हमारी सोसाइटी से मिनिमम नेसेसरी नीड्स लोगों को मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी तो हमारा टारगेट फुलफ़िल हो जाएगा और हम बिगर टास्क की तरफ पहुँच पाएंगे और पावर्टी रेखा से काफी सारे लोगों को ऊपर कर पाएंगे एंड इज द एंड ऑफ चैप्टर बट स्टिल वी हैव होमवर्क होमवर्क फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर्स इन इंडिया नेक्स्ट हु एडवोकेटेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली वेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग ये मैंने अब भी बताया था आपको याद करो फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में आंसर करो